तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है और शेयर चैट से ही रिलेटेड है। जिसने क्वेश्चन मुझसे पूछा है उत्तम नायक जी ने, तो उत्तम नायक जी का क्वेश्चन है कि भाई सर मुझे एक बात बताइए, क्या शेयर चैट ऐप में किसी दूसरे बंदे का यानी कि किसी दूसरे प्रोफाइल में से कोई भी पोस्ट अपने प्रोफाइल पर पोस्ट करते हैं तो क्या उससे कोई दिक्कत है या नहीं। एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है क्योंकि, तो हम आज के टॉपिक पर इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, साथ में लोग नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। और एक खुशखबरी दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस चैनल पर। हमारी फैमिली 1000 लोगों से ज़्यादा की हो चुकी है इस वक्त। और मैं जब तक अपने चैनल को सब्सक्राइबर हाइट रखा हुआ है तब तक, जब तक कि मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जाता, तो मेरा सब्सक्राइबर जिस दिन शो करने लगे समझ लेना मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है और दुआ आप लोगों की लग चुकी है। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ उत्तम नायक जी के लिए नहीं बल्कि सभी यूजर्स के लिए है जो शेयर चैट को यूज करते हैं। तो भाई आज के टॉपिक में यही हम बात करने वाले थे कि क्या दूसरे की प्रोफाइल के पोस्ट को रिपोस्ट अपने प्रोफाइल पर करते हैं तो उससे कोई बेनिफिट होता है या नहीं। तो एक छोटी सी सिंपल वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप अपने प्रोफाइल पर दूसरे की पोस्ट को दिखा रहे हो, यानी कि अगर दूसरे का प्रोफाइल का कोई भी पोस्ट आप अपने अंदर दिखाओगे तो एक छोटी चीज समझने वाली बात है, दिक्कत कुछ नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो और ऐसे करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अर्निंग जो आप कर रहे हो वो आपकी, जैसे आप अपने पोस्ट के अनुसार 100 रुपये की अर्निंग करते हो तो वहाँ पर दूसरे पोस्ट जब डालते हो तो उससे अर्निंग आप 10 या 20 रुपये की ही कर पाओगे। तो इतना डिफरेंस होता है दूसरे की पोस्ट को अपने आईडी पर डालने का, इतनी ये दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और है दोस्तों जो आपको समझ लेनी है, वो बात ये कि क्या आप इतने बेकार हो जो 5 मिनट का टाइम निकाल कर एक वीडियो नहीं बना सकते। क्या आप इतने बेकार हो कि एक मिनट की वीडियो बनाने के लिए आप 4 मिनट सोच नहीं सकते हो। माना कि वीडियो सिर्फ 1 मिनट की जा सकती है शेयर चैट पर, 30 सेकंड की भी जा सकती है, 15 सेकंड की भी जा सकती है, लेकिन उस 5 मिनट की वीडियो डालने के लिए आपको 4 मिनट अगर कुछ सोचना भी पड़े उस वीडियो के ऊपर, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो यार? 5 मिनट तो मेरे हिसाब से हम लोग यूं ही निकाल देते हैं कहीं चलते फिरते घूमते घामते और दोस्तों में ऐसे खड़े हुए गली के बाहर निकल जाओ, दोस्त मिल जाएंगे, 10 से 15 मिनट यूं खड़ा हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा आपको चुटकियों में। लेकिन जब बात आती है अपने काम के ऊपर, अपने ही काम को निखारने के लिए, तो क्या आप वहाँ पर 5 मिनट देना पसंद करोगे या नहीं, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ लेना तो आपको जवाब भी मिल जाएगा क्या दूसरे की पोस्ट को अपने आईडी पे डालना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को आज समझ में आ चुका होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो पोस्ट आप उसमें डालते हो क्या उससे नुकसान है और क्या फ़ायदा है। फ़ायदा जो होने वाला है वो सिर्फ इतना होगा कि अगर उसकी पोस्ट वायरल पोस्ट है तो कहीं ना कहीं आपकी उसी पोस्ट पर, आपकी उसी आईडी पर कुछ व्यूज़ और कुछ फॉलोअर्स या फिर कुछ आप कमेंट्स अच्छे मिल सकते हैं। यहाँ पर आप ये बातें मान सकते हैं, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। तो नुकसान यहाँ पर सबसे बड़ा ये होने वाला है कि आप जब दूसरे की आईडी डालते हो, यानी कि जब आप किसी दूसरे का पोस्ट डालते हो, तो आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जब हम पोस्ट डालते हैं और हमारी आईडी पर जब वो शो होता है तो शो होने के साथ साथ उसका नाम भी उसमें लिखा हुआ आता है, उसका यूजर नेम भी आता है, उसका नाम भी आता है। तो जो बंदा ये देखेगा कि यार इसने इस बंदे की आईडी शेयर की है और ऑलमोस्ट जिस बंदे की आईडी से इसने शेयर किया है उस पर ऑलमोस्ट व्यूज हैं, मिलियंस हैं, तो मैं इसको फॉलो ना करके डायरेक्ट उसको फॉलो क्यों नहीं कर सकता। तो समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है। नुकसान सिर्फ ये है कि आपको पॉपुलैरिटी अपनी खुद की नहीं मिलने वाली, पॉपुलैरिटी आपको उसकी मिलेगी जिसका पोस्ट आप अपनी आईडी पर डाल रहे हो। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी कि आपने अपने जो वीडियोस हैं वो खुद से ही क्रिएट करनी है और कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसमें ये लगे दूसरों को कि यस ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है लोगों को, और मैं क्योंकि इसमें मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्योंकि इसमें टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये वीडियो उठेगी। तो अगर आप ऐसा सोच सकते हो पहले पॉजिटिव, तो ही आप वीडियो बना सकते हो, और अगर आप वीडियो बनाते हो तो ऑलमोस्ट उस वीडियो के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने उस पर मेहनत करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर ऐसे ही मेहनत करो। छोटा सा लास्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये होगा कि शेयर चैट पर जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, जो लोग अर्निंग नहीं भी कर रहे हैं, बहुत से क्वेश्चंस फिर भी उनके दिमाग में चलते हैं शेयर चैट से किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने से पहले आप मेरे चैनल में एक बार विजिट करके वीडियोस में जाके आप देख सकते हो कि क्या मैंने उस टॉपिक पर वीडियोस बना रखी हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो,
तो बहुत से मुझे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिनको मुझे रिप्लाई करना पड़ता है कि यार इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाओ प्लीज मेरे चैनल पर देखो। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ लेनी है दोस्तों। और दूसरी चीज ये कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक कुछ अच्छा समझ में आया हो दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।